सो वेलकम और वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हमारे पीसी सेटअप के बारे में, जो कि अभी आप आने वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और इस सेटअप की कॉस्ट यार मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मिलता हूँ आपको मैं डायरेक्ट हमारी वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर मैंने यूज़ किया इसके अंदर राइजन 5 5600X, और इसके अंदर जो मैंने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो है GTX 1660, क्योंकि आजकल ना जैसे कि आप सबको पता है कि भाई ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और जो 1660 सुपर है भाई उसके तो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे गए हुए हैं। तो अभी मेरे को वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए यही लगा। और स्टोरेज की बात करूँ तो मैंने इसके अंदर यूज़ की है WD की ब्लू NVMe M.2 1TB की। मैं इसके अंदर ओनली SSD यूज़ कर रहा हूँ, कोई इसके अंदर हार्ड डिस्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं इसके अंदर हमारी रैम की बात करूँ तो रैम यूज़ करी है मैंने Corsair Vengeance की एक सिंगल स्टिक है 16GB की, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में इसको 16GB अभी और डलवा लूँगा। इसकी फ्रीक्वेंसी है 3600 MHz की, जो कि यार काफ़ी अच्छी है। और PSU की बात करूँ तो Corsair का है 650W का, उसके अंदर जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। और इसके अलावा जो हमारा मदरबोर्ड है वो है GigaByte का X570UD, क्योंकि जो मैंने मदरबोर्ड मंगवाया था यार वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और जो आया था वो काफ़ी डिफेक्टेड आया था, तो फिर मैंने यही लगवाना सही समझा। और जो हमारी कैबिनेट है उसकी बताऊँ तो वो हमारी कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली K501L RGB है, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी यार कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट RGB फैंस का एक सेटअप बनवाने वाला हूँ, जिससे इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। और साथ ही मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया है इस कैबिनेट के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी है। और हमारे सेटअप में अगली चीज़ की बात करूँ तो वो है हमारा कीबोर्ड, जो कि मैंने एंटी स्पोर्ट्स का ऑर्डर किया है, जो कि आई थिंक MK3200 है, जो कि यार काफ़ी अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है। यार मैंने इसके पहले कोई सस्ता सा कीबोर्ड लिया था, मैंने वो वापस कर दिया था, उसके बाद ये मैंने लिया। तो भाई अगर इस कीबोर्ड की बात करूँ तो भाई ये मेरे को काफ़ी सही लगा, और इसकी प्राइस अराउंड ये ऑलमोस्ट यार 2500 से 3000 के बीच का है, और मेरे को एक मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए था जिसके लिए काफ़ी सही है। और माउस की बात करूँ तो भाई माउस अभी मेरे पास काफ़ी सस्ता था, ज़ेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर, और जो कि यार मेरा काम काफ़ी अच्छे से निकाल दे रहा है। और कुछ टाइम बाद अगर जैसे मेरे को इसकी ज़रूरत लगती है अपग्रेड करने की, वो भी मैं इसको अपग्रेड कर लूँगा। और बाकी इसके अंदर यार दो फंक्शन वाले बटन हमें मिल जाते हैं, जो कि मेरा काम है ना काफ़ी हद तक आसान कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे अगर मैं मॉनिटर की बात करूँ तो मॉनिटर के अंदर है मेरे पास एसर की तरफ से आने वाला उनकी नाइट्रो सीरीज़ का VG270, जो कि 144Hz का मॉनिटर है, और इसकी साइज़ है 27 इंचेस का, जो कि यार कह सकते हो मैसिव मॉनिटर है। तो बस इतना ही था यार हमारी इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप सबको यार ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। और हमारी सेटअप की कॉस्ट बता दूं तो ये मेरे को पड़ा है ऑलमोस्ट 1.3 लाख रुपीज़ का। और आपको हमारा सेटअप यार कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता के जाना। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलना। मिलता हूँ आपको हमारी ऐसी किसी वीडियो या किसी स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।